उतर गया टायर नीचे। रात के 12:41 हो रहे हैं और किट्टी को बुलाने का सबसे सही तरीका पता क्या है? वो भी टीवी देख रही है और मैंने आईपैड पे ये वीडियो रिकॉर्ड करी है और इस वीडियो को मैं वहाँ पे टेलीकास्ट करूँगा। देखना आप। आई ना, आई ना। आपको मैंने दिखा दिया ना, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हुआ ये। ये देखो, ये यहाँ से, ये देखो, यहाँ से मैंने इसको किया, यहाँ से प्ले, और ये देखो। और आप तुमने सोने आने कि यहीं सोने, जल्दी आओ, गुड मॉर्निंग गाइस। हमने तो आपको बोला था कि हम कहीं जा रहे हैं। सुबह हो चुकी है हमारी। एक्चुअल में हमारा प्लान तो था सुबह 7 बजे जाने का प्लान था हमारा, 7 बजे का कोई प्लान नहीं था 7 बजे का, मगर जनता सोई 3 बजे है। और सुबह सुबह ना थोड़ा मौसम भी ऐसा हो रखा था कि हम जाएं कि ना जाएं, बहुत गंदा था मौसम। मैंने पूछा अभी तुमसे, तुमने बोला मौसम खराब है। था प्रेडिक्शन तो यही थी, मगर अभी तो धूप निकली है तो हम सोच रहे हैं कि वी शुड गो। बहुत दिन हो गए हैं हम लोग उस एरिया की तरफ नहीं गए हैं, तो चलते हैं फिर। किट्टी मैं नहा लेता हूँ पहले। अरे मेरे को एक बाल्टी लगती है, एक बाल्टी मैंने गरम कर दी है, I will use it ना, बहुत टाइम लगता है पानी गरम। किट्टी तेरे बाल धोने में ही 2 बाल्टी लग जाएगी, तो मेरे को नहाने देना पहले। नहीं मैंने सुबह उठ के स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया था। चले फिर। लो जी, फिर बेगम हमारी तैयार हो गई है, क्या लग रही है? तुम्हारे नहीं आ रहा? चले सतना। किट्टी मैडम आज कितने दिनों बाद घर से बाहर निकली है? लॉकडाउन के बाद, 15 दिन के लॉकडाउन के बाद किट्टी मैडम घर से बाहर निकली हैं। हम 2 तारीख को रोडू चले गए थे शिमला से, और उसके 15 तारीख को हम लोग शिमला वापस आ गए थे, और उसके बाद किट्टी मैडम घर से बाहर ही नहीं निकली हैं, और आज है 29th। बताओ, ज़बरदस्ती उठा के लाना पड़ता है इसको। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं जी तत्तापानी, जहाँ पे हम लोगों ने अपने बहुत ही मतलब अच्छे वाले मोमेंट्स स्पेंड किए हैं। बहुत दिन हो गए थे, दिन क्या, बहुत समय हो गया था गए हुए। सो वी थॉट के चलो ट्यूसडे है, बाइक राइड भी हो जाएगी एंड किट्टी मैडम का मन भी लग जाएगा। क्या हमें नीचे से जाना चाहिए था बाईपास होके, यहीं से चलता? जबरदस्त चहल पहल हो रखे है यहाँ पे तो भाई, वन वे कर दिया शुरू। हाँ, इधर से जाने का, उधर से आने का, बढ़िया हो गया, अब ट्रैफिक नहीं लगता। हाँ
नहीं तो पहले तो इतना ट्रैफिक लगता था ना यहाँ, हालत खराब हो जाती थी। आगे मशोबरा कहाँ, हमने 9 बजे निकलने का सोचा था, 11:30 हो गए निकलते निकलते। यही है वो पेट्रोल पंप जिसने हमें डीजल दिया था। काम शुरू हो चुका है, दुकानों को नोटिस आ चुका है कि आप प्लीज़ इधर उधर शिफ्ट हो जाएं। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, मगर बोल तो रहे हैं। मज़ा आ रहा है इसको बाइक पे बैठ के फुल। हम लोगों ने जाना है टुवर्ड्स करसोग, जो तो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कनेक्टेड, उन लोगों को तो पता है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। बट जो लोग अभी नए कनेक्ट हुए हैं, सो तत्तापानी इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन। आप अगर राइट साइड में जाएंगे तो आप जाएंगे कुफरी की तरफ, बट अगर आप लेफ्ट में आएंगे जैसे कि हम आए हैं तो आप जाएंगे मशोबरा, नालदेरा, सुन्नी, फिर तत्तापानी। बहुत ही माइंड ब्लोइंग जगह है, आज आपको दिखाएंगे, मज़ा आएगा आपको। आज हमारा तो ऐसा था कि जब भी हम लोग थोड़ा लो फील करते थे या हमें ऐसा लगता था ना कि अजीब सा लग रहा है बहुत, उस टाइम पे वी यूज़ टू कम हेयर, बहुत मज़ा आता था भाई, बहुत मज़ा। मोटू जी गाड़ी में तो आप बहुत बार गए हैं, हम एक्टिवा पे भी गए एक बार, मम्मा वाले एक्टिवा पे, मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ेदार रोड है ना ये, फैंटास्टिक वाला, मज़ा आ जाता बाइक राइड करके। लो जी हम पहुंच गए हैं मशोबरा, मज़े से अपना ड्राइव करो, बट रहो हमेशा अपनी साइड पे, क्योंकि रोड थोड़ा सा कंजस्टेड है, अगर ट्रक या बस आया सामने से तो दिक्कत हो सकती है। भूख लग गई मोटू, हमने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ, 12 लगे हैं बजने, अभी हम खाएंगे। अभी रास्ते में एक ढाबा है, मेरे को कन्नी ने दिखाया था, जिस टाइम मैं और कन्नी नहीं आए थे यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने, तब दिखाया था उसने मेरे को ढाबा। बट जब तक हम उसके पास गए ना खाने के, तब तक वो मतलब ऐसा हो गया था आउट ऑफ स्टॉक, बोल रहा था कि एक बार खा के देखना आप, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। मैं कहा चलो आज ट्राई करते हैं, वो उतर गया टायर नीचे, अब दी इसने साइड, थैंक्स ब्रो। बगीचा लगाया हुआ बंदे ने, देखो यहाँ यहाँ बर्फ़ पड़ती है। लो जी भैया जी हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे हैं गुगनू दा ढाबा, मशोबरा से थोड़ा सा आगे जब आप पहुँचोगे नालदेरा रोड पर, वहाँ पे आपको मिलेगा गुगनू दा ढाबा। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, आलू प्याज के पराठे साथ में दही और चाय, नज़ारा देखो। बटर दे दो जी, कौन खा लेंगे, बस बहुत है अभी भी, तो बहुत है खा के दे। मेरे को लगता है दिल्ली में बर्फ पड़ने वाली है, यहाँ तो नहीं पड़ेगी। शिक्षा की स्टोरी देख रहे हैं, यहाँ तो ऐसा मौसम भी नहीं देखने को मिला कि ऐसा बादल काले हो गए हैं या समथिंग, कुछ भी नहीं यार, सब तो हुई आज, बल्कि बोल भी रहे थे प्रेडिक्शन थी आज। सनी देखो कितना, चाय पी पी ली, बहुत टेस्टी है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि फास्ट है सर्विस, साफ सुथरा भी है बहुत, जैसे कि पराठे पहले से बने हुए थे मेरे ख्याल से, हाफ 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 डन करके रखते होंगे, बस उस टाइम तेल लगाया और हो गया। नहीं नहीं पूरा अभी बनाते हैं। क्या करेंगे हम वहाँ जाके, आज खाएंगे घूमेंगे फिरेंगे बस। हम वहाँ भी जाएंगे सुन्नी अंदर को गांव में, सुन्नी गांव में क्या करना है, वहाँ पर बहुत अच्छे व्यू आए हैं, गौशाला है वहाँ, चलना वहाँ नहीं जाएंगे, पर जो रास्ता नहीं है बिल्कुल खेतों के बीच से जाता है। यार बाइक पे ना खा नहीं सकते मैं, वैसे वैसे कुछ खाती कुरकुरे कुरकुरे, कम खाना पड़ता है बाइक पे। दिस इज आवर सेकंड ट्रिप बाइक पे, मेरी सेकंड, तुम्हारी तो बहुत हो गई। मेरी तो बहुत है, मतलब एक साथ कह रहा हूँ, रोड ही तो गए थे उसके बाद तो मुझे कहीं नहीं ले गए मुझे। तुम तैयार ही नहीं होते, तुम्हारा लॉकडाउन ही नहीं खत्म होता, 15-15, 20-20 दिन का तुम्हारा लॉकडाउन हो गया। बिल्कुल साल में पहली बार हुआ है,
बाकी टाइम हम ऑलवेज वर्किंग या और ये हर साल होगा इतना यामी परांठा है कि किटी एक और खा रही है वहाँ जाने का बेस्ट टाइम क्या है ले जाने का फिर यहाँ से वहाँ बाइक पे जाना ले नहीं जाना पहले छोटे ट्रिप्स मार ले उसका एक ही ऑल्टरनेट है ऑल्टरनेट यही है कि आप ग्रुप के साथ जाओ पर ऐसा कब होगा ग्रुप के साथ जाओगे तो सही रहेगा करते हैं प्लान ये है जी ढाबा गुगनू और ये भैया जिन्होंने हमें खाना खिलाया बहुत ही बढ़िया जगह परांठे से तो तसल्ली जैसी हो गई मज़ा आ गया ना इतना टेस्टी परांठा कढ़ी चावल भी खाने अब तुमने समय हो गया जी 12:34 पर शूटिंग हो रही है यहाँ वाह गुड है ही नहीं इस बार टूरिस्ट बहुत कम है बहुत बहुत मिनिमम अरे अब तो बहुत पक्का हो गया इसी रोड से तो गए थे हम जब वहां गए थे शिकारी देवी देख मस्त नहीं है अब तो बहुत वो कर दिया मतलब ऐसा कर दिया फ्लैटन जैसा ना नहीं तो पहले तो पत्थर ही पत्थर थे वो देख सामने नहीं गिरती पकड़ के बैठो वो देख क्या अरे मस्त रह तू बैठ आराम से बीच बीच में कुछ कुछ पैच खराब है बाकी तो ठीक है ये देख मम्मी मुकुल मेरे को कहाँ ले आया ये होता फुल एडवेंचर किटी यू शुड प्रैक्टिस ले लद्दाख जाना है स्पीति जाना है बाइक पे हैं अच्छा ऐसे ही रोड है वहाँ ओ माय गॉड ये है रास्ता जहाँ पर बड़े बड़ों के गले में पानी फांसता ये लो किटी मैडम हैविंग फन ये देखिए ऑफ रोडिंग करने आए हैं ऑफ रोडिंग मैं नहीं करना चाहती तुम करवा दी तुमने मेरी ऐसा ऑफ रोड हो गया किट्टी में आ जाओ जल्दी आओ इनसे भैया से रास्ते पूछता है ना कि खुला है रास्ता भैया आगे रास्ता ऐसा ही है कि साफ है ना थैंक यू चलो आगे तो जेसीबी लगी है जेसीबी भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग गलत आ गए इधर से मगर भैया से मैंने पूछा पीछे कि है आगे तो उन्होंने बोला कि खुला ही है बाइक के लिए रास्ता दे रहे हैं काम चल रहा भाई यहाँ पे तगड़ा हाईवे का चलो भाई ने जगह तो दे दी थोड़ी सी वाओ मजा ही आ गया वाह 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 किट्टी अगर यहाँ गिरी ना तो मजे ही आ जाएगा तेरे को लगता मैं तेरे को गिरने दूंगा वैसे भरोसा कुछ नहीं है किट्टी कुछ भी हो सकता है मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि उनकी एनिवर्सरी है तो वो शिमला आ रहे हैं घूमने कल मिलूंगा मैं उनसे है ना एक बार जाके फोन करता हूँ आई लाइक इट मज़ेदार स्टफ हो गया यहाँ सोचा नहीं था हमने कि ऐसा रोड होगा पिछली बार तो बड़ा मस्त रोड था
अभी के लिए शायद यहाँ पे काम कुम चल रहा है, इसलिए इस रोड की ये हालत हो रखी है। और किटी मैडम को अपनी मम्मा की याद आ रही है कि मैं तो गलती आई मुकुल इस तरफ से आज तेरे साथ। किटी देख, मैं तेरे को बताता हूँ, कुछ नहीं होता, सिर्फ बैलेंस बना के रखना पड़ता है। और यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से आप स्मूथली निकल पाओगे। अब ऐसा है ना, स्पीति जाना है ना, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेल्स हमें करने पड़ेंगे, तभी यू विल गेट ट्रेंड। बाकी हम भी अभी नए ही हैं इसमें, मगर मज़ा बड़ा आता भाई। डेयरिंग करोगे तो अभी तो एडवेंचर होगा। मेन प्लेन रोड पे क्या एडवेंचर करना है, हैं? देख अब व्यू देख, तू देख कहाँ खड़े हम, ये देख। शुक्र कर कि नीचे से कोई गाड़ी नहीं आ रही ऊपर को यहाँ पे, नहीं तो ऐसा फाउंडेशन लगेगा ना मुंह पे। ये देख कितना अच्छा मंदिर है, श्री सधाई माता। अब समझ में आएगा तेरे को कहाँ निकलेंगे हम। तो इधर कहाँ जाना है, आगे से? ये नीचे वाली रोड पे जाना हमने। फाइनली हम लोग मेन हाईवे पे कनेक्ट कर गए हैं, मज़ा आ गया ऑफ रोड करके। किटी मैडम को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। इस लोकेशन गाइस, फाइनली हम लोग तत्तापानी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और जो नज़ारे आ रहे हैं ना, मेरे को तो आ ही रहे हैं ना, मज़ेदार, दिल खुश हो गया। HRTC आ रही है, देखना अब। हैं? यही तो मजे हैं, यही तो मजे हैं, देखियो। अभी हम सुन्नी से थोड़ा सा पहले चाबा एक जगह है, यहाँ से आगे रास्ता जाता है उस GB के लिए, यहीं से तो गए थे हम GB, याद नहीं तेरे को? हाँ, इतना शांत वाला एरिया है ना ये, मतलब कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, पीस ऑफ माइंड। और रात को तो मतलब ऐसा बिल्कुल होता है ना, क्लीन वाला एनवायरनमेंट, शांति। कभी महसूस करी होगी आपने कि शांति आपके कानों में घुस रही है, बस वो यही है, जबरदस्त। अभी हम सुन्नी होते हुए निकलेंगे तत्तापानी के लिए। अब आपको अगली जो फुटेज दिखेगी ना, वो तत्तापानी की फुटेज होगी। लो जी, फिर पहुंच गए हम तत्तापानी। बट ये है कि मेला लगा हुआ है यहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त वाला, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तत्तापानी मंडी।
हम लोग पहुंच गए हैं अपनी फेवरेट लोकेशन, दैट इज तत्तापानी। और यहाँ पे वी आर ब्लेस्ड के हम लोगों को मेला देखने का मौका मिलेगा। अभी के लिए हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है, थाली। हमेशा हम यहाँ पे आके थाली खाते थे, मगर थाली इज़ नॉट अवेलेबल। अलाकार्ट ही अवेलेबल है, जिसमें हमने पनीर ऑर्डर किया है और चपाती है ना, कढ़ाई पनीर एंड चपाती। आ रहा है मज़ा। ये है जी कुछ ऐसा लोकेशन है। वाह, तो किटी मैडम कैसा फील हो रहा है आपको अपनी उसी पुरानी लोकेशन पे वापस आकर? हैं? बहुत अच्छा अतुल्य भला, बहुत अच्छा। ये एरिया कुछ ऐसा है ना, मजा आ जाता है यहाँ पे आके। मेरे को यहाँ आते ही नींद आ जाती है, ऐसा हो जाता है बिल्कुल रिलैक्स्ड जैसा हो जाता है कि बस सो। नजरें नजरें भी उतर जाती है हमारी यहाँ। दो तीन दिन पहले आ जाना चाहिए था। वो जो हमने ऑफ रोडिंग वाला पैच किया है ना, हाय हाय हाय, मजेदार। मेरी हालत खराब हो गई थी वहाँ पर। किट्टी की हालत नहीं खराब हुई थी, किट्टी को मम्मी याद आ रही थी। डालू थोड़ी सी डालो। लो जी भैया, फिर अब किटी एंड जेरी पहुंच गए हैं बडमैन से 5 किलोमीटर पीछे। बडमैन क्या नाम रखा है। और यहाँ पे किटी इज हैविंग सम गुड टाइम, बट दिक्कत ये हो गया कि बमीज में होने लग गया दर्द। क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है इतना ट्रैवल करने की, बट जितना भी हमने ट्रैवल किया बहुत ही मस्त वाला ट्रैवल किया। ये देखिए अब हम कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए हो रहा है रेस्ट, फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग शिमला के लिए। पर यह है कि मज़ा बड़ा आया, बहुत मज़ा, आनंदमय मंगलवार रहा हमारा, आनंदमय। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बगीरा ने दी, मगर गुड टाइम स्पेंड टुगेदर, मज़ेदार। पहुंचते हैं अब शिमला। किटी मैडम ने तो बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त फोटोज ले ली हैं। अब से हम प्लान कर रहे हैं कि हर छुट्टी पे कहीं ना कहीं घूमने जाएं। आसपास के एरियाज तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। शूटिंग हो रही है, शूटिंग। हेलो हेलो किटी, नाना पाटेकर आया हुआ है, अंदर होगा, पक्का शूटिंग हो रही है। वो देख नीचे ड्रोन भी उड़ा रहे हैं। लो जी, शिमला आगमन पर आपका स्वागत है। हिमाचल टूरिज्म गोल्फ कोर्स नालदेहरा, ये इधर नालदेहरा गोल्फ कोर्स है जी, ऊपर जाके। आज तो हमारे सब्सक्राइबर भी एकदम से बढ़ गए, 1029 थे, 1037 हो गए। कभी शायद ये टाइम भी होगा कि 1 लाख होंगे। ओहो, पर ये है कि मज़ा बड़ा आ रहा है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं ना कि आपका वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैं भाई अभी तो हमें समय नहीं मिल रहा, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किटी जी यार, मेहनत तो क्या, अब जो चीज़ हम कर रहे हैं वही तो दिखा रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट करके तो नहीं कुछ दिखा सकते ना, वो फिर ऐसा लगता है कि यार अजीब सा। बिना लाइट ऑन किए चले गए हैं भाई साहब। पहुंच गए हैं हम लोग शिमला,
पहले हम सोच रहे थे कि मैकी के पास चाय पी लें, बट प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर हम चाय पीने के लिए रुक जाते तो बहुत टाइम लग जाना था, इसीलिए नाउ वी हैव प्लान्ड कि हम सीधा चलते हैं न्यू शिमला जी। फिर आज आपको हम टनल भी दिखा देते हैं। अरे वो यह रास्ता बंद है अभी, वो रहा हमारा घर, वो सामने जहाँ ब्लू लाइट जल रही है। ओ भाई जाखू में तो ऐसा लग रहा है कि पड़ी तो नहीं रही कहीं तगड़ी। ये तो बंद है भाई साहब, ऐसा हो गया कि हमारे साथ हो गया थोड़ा सा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होगी कि साउथ कॉर्नर है बंद आज, ये नहीं पता कि क्यों बंद है। और हमारे पास अब ऑप्शन यही बचता है कि हम लोग डायमंड्स में ही खा लें कुछ, क्योंकि अब लग रही है भूख और घर जाके खाना खाने का है नहीं अपना मन। अभी के लिए चलते हैं जी, अपना घर पहुंचते हैं, ठीक है, और जाके करते हैं व्लॉग को एडिट। मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग हम यहीं एडिट कर दें, एंड कर दें सॉरी, क्योंकि ठंड लग रही है अब मुझे। कल मिलते हैं आपको एक और नहीं अच्छी वीडियो के साथ। अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखें अगर आप ठंडे इलाके में बैठे हैं तो, और अगर आप दिल्ली में जो कि चंडीगढ़ में बहुत ही तगड़े लेवल पे ठंड पड़ रही है, अगर आप वहाँ पे हैं तो और ख़ास ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।